हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडनॉमिक्स बाय हर्स्ट। सो वापस आज मार्केट नीचे आया, निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आ गया, बट वी आर होल्डिंग 16,400। तो क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा? सो आई एम गोइंग दिस फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी और थोड़ा सेक्टर देखेंगे, स्टॉक्स देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच द लेंथ। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब करो, शेयर करो मैक्सिमम, लाइक करो मैक्सिमम, थोड़ा मोटिवेट करो। And follow me on Twitter for live market updates, trades. Yes, मैं live market में देता हूँ trade Twitter पे, and definitely idiot view free सीखना है तो book दे रहा हूँ मैं, link दे रहा हूँ description में और मेरे website पे भी है, पूरा book पढ़ सकते हो ये link पे register करके। और एक छोटा course भी है, वो भी देख सकते हो YouTube पे और website पे भी है। और अगर इलेट व्यू और प्राइस एक्शन, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इलेट व्यू प्राइस एक्शन दोनों सीखना है। वी आर स्टिल गिविंग एट 1199 टू कोर्सेस अबाउट 10 आवर्स, बहुत सारे वीडियोस है, पीडीएफ है, यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन इलेट व्यू एंड प्राइस एक्शन। सो ग्रैब दिस ऑफर एंड इट इज देयर। ओके, अभी देखते क्या हो गया मार्केट में, बस क्या लग रहा है। तो मार्केट इज स्टिल, अभी आज नीचे आया, जैसे कल बोला था कि वो एक चैनल था, विल डिस्कस इंट्राडे चार्ट देखेंगे तभी। तो कल हमने डिस्कस किया था, एक सपोर्ट डिस्कस किया था नीचे का 16,300-400 जोन में, और वो सपोर्ट अभी भी होल्ड कर रहा है। ये जो बेस था वो बेस होल्ड कर रहा है मार्केट, और अभी भी बहुत ऐसे कोई वीकनेस नहीं है। आज नीचे है मार्केट, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो वीकनेस वाली साइन होती है कि जैसे मार्केट गिरता है वन वे, वैसे तो है नहीं मार्केट में। यानी अगर हम लोग बोलेंगे कि ये बी वेव है, वो कंफ्यूजन है। यस, कि ये बी वेव है कि ये स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अप ट्रेंड है, उसका हमें कंफ्यूजन है। देखो, जब तक 16,000 ये इसके नीचे डिसिसिव क्लोजिंग नहीं आता, या फिर मैं तो बोलता हूँ 16,000 के नीचे नहीं जाता, 16,100 के नीचे, तब तक तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली या फिर बहुत कन्विंसिंगली बोल नहीं पाएंगे कि भाई 15,500-300 अगर आना है कि नहीं आना है। क्योंकि देखो, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो सब लोग इसको बी वेव ही ले रहे हैं, और सब लोग नीचे वो 12,000 वाले तो छोड़ दो यार, उनको तो सुनो मत, लेकिन बाकी भी सब लोग नीचे 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 बोल रहे हैं। जो बुलिश भी थे वो भी एक मीन्स जो बुल्स भी है वो भी एक बार सोच रहे कि कैपिटलाइजेशन होगा। क्या सच में होगा कैपिटलाइजेशन? तो हम पूरा ब्रॉड मार्केट भी देख लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल हमने एक चैनल डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड चैनल है और ये ट्रेंड चैनल के नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये आज खुला ही ऑब्वियसली उसके नीचे तो नीचे आया। ओके, क्या ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये अभी फिलहाल ये हाई से ये लो तक देख लेंगे तो एबीसी स्ट्रक्चर है, मींस थ्री वेव्स है। हाँ, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, लेकिन क्या है मींस, क्या वो इम्पल्स होगा या करेक्टिव ही रहेगा, वो अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते हम लोग बहुत कन्विंसिंगली। और अगर मैं देख लूं, ये लो था 16,444 और ये जो इंट्राडे हाई है अराउंड हाई, ठीक है, अभी भी ओवरलैप तो नहीं हुआ है मोस्टली। ओवरलैप नहीं हुआ है तो हम लोग सोच सकते हैं क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 में कन्वर्ट होगा, एक्सटेंड होगा। तो एक सिंपल बात मैं बोलता हूँ, ये अगर मार्केट नीचे जाता है, इसके 380 के नीचे जाता है, डेफिनेटली वीकनेस आएगा थोड़ा, और नीचे जा सकता है। बी वेव हम लोग अगर जो कंसिडर कर रहे हैं हो सकता है, लेकिन ब्रॉड मार्केट देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे। ओके, ऑन अपसाइड, अगर अपसाइड देख रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली जब तक ये हाई नहीं क्रॉस करता 450 का तब तक अपसाइड नहीं देखेंगे, या फिर ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, सॉरी, वो ब्रेक एक बार होने दो। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 460-470 के आसपास जोन है, या फिर आज का ओपनिंग हाई जो है उसके ऊपर अगर करते हैं हम लोग, तो एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। पर मैं ओके,
तो बी वेव है या नहीं है वो अभी नहीं पता, जब तक एटलीस्ट इसके ऊपर नहीं चला जाता तब तक तो हम लोग बी वेव के एटलीस्ट उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे बी वेव को, क्योंकि अगर नीचे सी वेव में नीचे जाना है तो इंपल्स में ही जाना पड़ेगा। देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 15,500 की बात कर रहे हैं तो बस नीचे इंपल्स ही आना पड़ेगा। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर नेक्स्ट 2-3 दिन में ये सपोर्ट टूटता है तो 3 दिन तो हो गए, ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए, अभी कल देखते हैं थर्सडे है और फ्राइडे बाकी है, तो फिर मीन्स ये वीक में अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा ना ये पूरे वीक में 16,300-16,400 के आसपास का जो सपोर्ट है वो नहीं टूटा ना तो फिर इसका ये जो बी वेव हम लोग पकड़े ना उसको रिजेक्ट कर दो, वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बी वेव हो है तो मार्केट को नीचे जोर से ही जाना पड़ेगा, इम्पल्स में ही जाना पड़ेगा। अगर इम्पल्स नहीं आता तो ये बी वेव नहीं है। और सिंपली स्पीकिंग अगर आज के ओपनिंग हाई के ऊपर जाता है तो भी बी वेव मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इम्पल्सिव फॉल नहीं आया है, तो जब तक इम्पल्सिव फॉल नहीं आता तब तक हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे कि नीचे सी वेव आएगा, बड़ा फॉल आएगा। आएगा इम्पल्सिव तो अलग बात है। सो बेसिकली अबाउट 460-480 जोन डेफिनेटली बी वेव का रिजेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो क्या हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ भाई तेजी होगी, बॉटम बन गया, वापस बुलाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट वेव है, दिस इज वेव वन एंड द लीडिंग डायग्राम, तो कहना डिफिकल्ट होगा कि यहाँ पे वेव टू ऑलरेडी हो गया और थर्ड चालू हो जाएगा, क्योंकि वेव टू में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। अगर मींस बुलिश भी होना है हमें तो बहुत इमीडिएटली बुलिश नहीं होना है, क्योंकि वेव टू में टाइम ले सकता है और रिट्रेसमेंट ज्यादा भी हो सकता है। और कंपेयर करेंगे तो ये बहुत टाइम लिया था, 6-7 दिन। ओके लेट्स सी डेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। सो बेसिकली दिस इज ऑलमोस्ट 12-15 डेज, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डेज। तो अगर 12 दिन अगर मार्केट ने तेजी दी है तो एटलीस्ट 5-6 दिन तो मार्केट को 4-6 दिन तो करना चाहिए, एटलीस्ट 5 या 6 दिन कम से कम रिट्रेस करना चाहिए ये मूव को। 3 दिन में बॉटम हो गया ऐसे आई डोंट नो, क्योंकि एक तो ज्यादा डीपर रिट्रेसमेंट भी नहीं आया और टाइम वाइज भी इतना रिट्रेसमेंट नहीं है, तो तीन दिन में हम लोग बोल नहीं पाएंगे बॉटम हो गया कि नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज डेफिनेट है कि अगर ये वीक पूरे वीक में अगर ये लेवल टूटता नहीं है, 16,400 के नीचे नहीं क्लोज होता है, 16,350-16,400 ये जोन के नीचे, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये फर्स्ट वेव है और सेकंड वेव करेक्शन होने के बाद वापस मार्केट ऊपर आएगा। क्या है पता नहीं, तो हम लोग देखते हैं ब्रॉड मार्केट में। ओके, मेटल इंडेक्स पहले देखते हैं। हाँ, मेटल इंडेक्स भी देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मेटल इंडेक्स इकोनॉमी का कोर सेक्टर है, तो हमने डिस्कस किया था कि मेटल में और थोड़ा नीचे आ सकता है, एबीसी करेक्शन चालू है मेटल में। ओके, एक्सपांडेड फ्लैट ए बी और सी, तो और हम लोग श्योर नहीं थे कि सी वेव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या एक्सटेंड होगा, लेकिन अगर एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन है एबीसी तो एक बात तो तय है कि सी वेव में हमेशा 5 वेव्स रहते हैं, ऑलवेज इन एन एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन विच इज अ पैटर्न 3-3-5। इलियट वेव का पूरा बुक दे रहा हूँ, उसमें पढ़ लो 3-3-5 क्या पैटर्न होता है, वेयर दिस इज वेव ए, दिस इज वेव बी विच इज विच गोज टू न्यू हाइज, लेकिन वो फॉर्मेशन 3 वेव्स का ही रहता है उसमें, और बाद में जो सी वेव आता है वो 5 वेव्स होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हो गया ये ऑलरेडी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, जब तक ये हाई तोड़ के ऊपर नहीं जाता ना तब तक हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। हाँ, लेकिन अगर जाता है, अगर ये स्विंग हाई तोड़ के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ
मेटल्स में तेजी आएगी, तब तक नहीं, तब तक हम लोग डाउनसाइड की देख सकते हैं अगर एक्सटेंशन आता है। हाँ तो वो 12,000 बोल रहे थे ना जो लोग, वो शायद मेरे को लगता है मेटल इंडेक्स बोल रहे थे 12,000, क्योंकि मीन्स अभी तो वेव 2 आ रहा है मेटल इंडेक्स में, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लाइक दिस दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, अभी कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इट्स वेरी अर्ली टू से, बट एक बार वो मेटल इंडेक्स का वेव 2 कंप्लीट होगा तो यार 12,000 आ जाएगा मेटल इंडेक्स। जो 12,000 की बात कर रहे वो शायद मेरे को लग रहा है मेटल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल इंडेक्स जाएगा, बराबर है उनका मेटल इंडेक्स तो जाएगा 12,000, बस बस करेक्शन कहाँ तक आता है, नीचे आएगा क्या और 4,800 तक आएगा क्या, वो देखना है हमें, वो अभी नहीं पता, लेकिन एक बार करेक्शन खत्म हो जाए मेटल इंडेक्स में तो वो जाएगा 12,000। तो 12,000 मेटल की बात कर रहे शायद, मेरे को तो लगता है ऐसा, मेटल इंडेक्स की ही बात कर रहे होंगे 12,000 की। ओके लेट्स सी अदर सेक्टर। तो हाँ आज मेटल इंडेक्स कितना गिरा है वो भी देखते हैं डेली पे। ओके तो आज तो पूरा निफ्टी भी गिरा, तो मेटल इंडेक्स गिरा है आज 0.89%, निफ्टी गिरा है 0.92, यानी ऑलमोस्ट सेम गिरा है। बस मार्केट में अगर मंदी है तो मेटल ऐसा सेक्टर कि वो उसकी धज्जियां उड़नी चाहिए, अगर नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा है तो मेटल में मीन्स 2-3% आज डाउन होना चाहिए था। अगर निफ्टी से कंपेयर करके कुछ भी डाउन नहीं है, सेम डाउन है, तो फिर बस मंदी थोड़ा सोचना पड़ेगा। बस मेटल जैसा इंडेक्स में जो अभी भी 13-day मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ रहा है, और जो हाई बीटा है उसमें अगर आप इतना डाउन मूव नहीं आ रहा है तो बस आप कौन से मीन्स कौन से बात करते हो भाई, 12,000 आएगा ये जो भी है मीन्स बड़ा करेक्शन आएगा, फंडामेंटल ये वो सब, FII ने पैसा निकाल दिया ये वो, कुछ देखने का नहीं, चार्ट देखने का, खाली चार्ट देखने का। कुछ FII सब बकवास है, मैं बोलता हूँ बकवास। मैंने कोविड का बॉटम पकड़ा तब भी फंडामेंटल बकवास था, सब खराब था, तब भी FII ने 63,000 करोड़ बेचा था शायद, तब अभी भी बेचा है। FII को जितना बेचना है बेचने दो, वो IQ BQ वो हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को भाव देखना है। अगर भाव बोलता है तेजी होगी तो बस तेजी होने ही वाली है। हाँ शॉर्ट टर्म में पैनिक आ सकता है, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा। ओके अभी तो मिड कैप इंडेक्स, ये स्मॉल कैप है। ओके तो स्मॉल कैप इंडेक्स आज कितना गिरा है, तो 2G क्लोज आया है और कंपैरेटिवली 0.5% गिरा है। निफ्टी गिरता है 1%, और ये गिरता है 0.5%, 0.6%। ओके लेकिन कंपेयर टू निफ्टी इतना नहीं गिरा बॉस। तो कहाँ है मंदी, कहाँ है मंदी, है कहाँ पे भैया? अगर मेटल नहीं गिर रहा, अगर स्मॉल कैप नहीं गिर रहा, अगर मिड कैप में इतना नहीं आ रही मंदी, देखो आज कितना गिरा है मिड कैप, आज मिड कैप गिरा है 0.67, यानी निफ्टी से कंपेयर करूंगा तो मिड कैप अच्छा है आज। हाँ निफ्टी ज्यादा गिरा है मिड कैप से, तो भाई तो कहाँ से आएगी मंदी, ये तो करेक्शन आ रहा है मेरे हिसाब से। क्या बॉटम बन गया भाई, उसके लिए 17,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, 16,817 के ऊपर बॉटम तो बनेगा, नया बड़ा बुल मार्केट आएगा, लेकिन रुको उसके लिए। तो मिड कैप से स्मॉल कैप में ज्यादा मंदी है नहीं। ओके मेटल्स में है नहीं ज्यादा कुछ मंदी, तो जब तक उसमें नहीं आती ब्रॉड मार्केट में मंदी तब तक पता नहीं। ऑटो इंडेक्स में तो आज ग्रीन क्लोजिंग है, तो भाई आपको लेना है तो ऑटो इंडेक्स ले लो भाई। तो ऑटो स्टॉक है टाटा मोटर की, हमने डिस्कस की थी कल, तो आज मैंने टाटा मोटर्स दिया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड। आज के लो का स्टॉप लॉस होल्ड करूंगा, आज के ओपनिंग का भी चलेगा। एंड एक बार 4:45 के ऊपर जाएगा देन टाटा मोटर्स कैन डू रियली वंडर्स। यस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। क्यों, ये तो चैनल ब्रेकआउट आ गया, बराबर फ्लैग ब्रेकआउट बोलो, अभी ये ब्रेकआउट आना बाकी है, ये 4:45 4:48, एक बार इसके ऊपर चला जाएगा ना तो टाटा मोटर्स एकदम
फट जाएगा, एकदम भाग जाएगा। तो अगर मार्केट में तेजी आनी है तो टाटा मोटर से आईटीसी हमने कल डिस्कस किया था, आईटीसी में भी ऑब्वियसली 275 के ऊपर बहुत जोर से तेजी आएगी आईटीसी में। सो वेटिंग फॉर दैट कि 275 के ऊपर जाए। एक और स्टॉक है यहाँ पे ऑटो में जो बहुत अच्छा है, विच इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ये बहुत बुलिश है ये स्टॉक, तो निफ्टी किधर भी जाए भाई ये स्टॉक हर डीप में लेना है, ये लेना ही है। क्यों लेना है बॉस? बॉस ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, आप बोलो कपल हैंडल बोलो डबल राउंडिंग बॉटम बोलो कुछ भी जो भी बोलते हो आप इसे पैटर्न को, इसका ब्रेकआउट है देखो। और यहाँ पे भी देखो, एक तो ये पहले यहाँ पे बेस बना के हो गया, फिर यहाँ पे बेस बना के, अच्छा तो ये कपल हैंडल का ब्रेकआउट आया है ना, ओ, 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 ओ। ये तो देखा ही नहीं भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो बॉस ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो कितना भागेगा बॉस ये स्टॉक, तो भागने वाला है बॉस, जबरदस्त भागने वाला है ये स्टॉक। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है और हर एक लेवल पे ये देखो ना ऑल टाइम हाई पे है यार ये स्टॉक, मीन 52 वीक हाई भी छोड़ो ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक, निफ्टी भी नहीं है और ये स्टॉक है, तो बस ये स्टॉक तो बहुत ऊपर जाएगा। पोर्टफोलियो में तो ले ही सकते हो आप ये स्टॉक ऑटो में, और एफएमसीजी में आईटीसी है अपना, एचयूएल भी अच्छा थोड़ा दिखा रहा है। आज वीकनेस है लेकिन कंपैरेटिवली ठीक है। ओके एक और स्टॉक है अभी हमारे पोर्टफोलियो देखते हैं हम लोग। हाँ मेरा पोर्टफोलियो भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट, ये मेरा पोर्टफोलियो है अभी अराउंड 5% अप है एज ऑफ टुडे, एंड ओवरऑल भी ऑब्वियसली आई मीन ओवरऑल 4.9% अप है नॉट एज ऑफ टुडे, तो ऑब्वियसली। और मैंने बनाया था Jan 2022 में, अभी फ्रेश लिया था तभी गोल्ड में इन्वेस्ट किया, फिर वापस मैंने मार्केट में मंदी आई तो निकाल दिया था। मैं तो बॉस डेफिनेटली मैं पोर्टफोलियो में रखता नहीं स्टॉक, अगर मंदी आएगी मार्केट में तो लिया बेचा करता ही रहता हूँ। तो फिलहाल 4.9% है ऑन एन एवरेज रिटर्न लास्ट 4-5 मंथ का, लास्ट 4 जनवरी में, जनवरी एंड में किया था ना, तो मैंने 5 मंथ का समझ लो, लेकिन निफ्टी की तरह बॉस 5 मंथ में निफ्टी भी तो फाट लगी। सो निफ्टी को आउट परफॉर्म हमेशा करेगा हमारा पोर्टफोलियो, आपको लेना है ट्रिंकर पे आ जाओ, ये देखो ट्रिंकर ऐप है, ट्रिंकर पे लॉग इन करो और मेरे पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें स्टॉक्स बहुत सारे हैं, रेणुका शुगर है, जीनस पावर है, लेमन ट्री है, तो लेमन ट्री डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो लेमन ट्री होटल्स देखो, लेमन ट्री होटल बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। कल मैं इसमें और ऐड करूंगा थोड़ा स्टॉक्स, क्या बोलेंगे इसमें, देखो ये एक ब्रेकआउट आ गया है और अभी दिस इज अ ब्रेकआउट और वापस सस्टेन होके ये ऊपर जा रहा है, तो वेरी गुड स्टॉक आप कर सकते हो, ओवरऑल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे देख स्टॉक्स देख के। करंटली आई हैव 9 स्टॉक, इसमें भेल है, रेणुका शुगर है, जीनस पावर है, और ये अपना लेमन ट्री है, दावत है, और है ऐसे 8-9 स्टॉक्स है। सो अगर जानना है क्या पूरा है इसमें, पूरा आपको समझेगा कितना अलोकेशन, देखो जीनस पावर का अलोकेशन 12% है, रेणुका का 12% अराउंड है, HSCL का है 16% अलोकेशन, आप देख सकते हो इसे कौन से स्टॉक है क्या अलोकेशन है पूरा इसमें, देखो पूरा इसमें आपको मिलेगा। सो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस पोर्टफोलियो अगर आपको अच्छा लगे, एंड ट्रिंकअप पे है अराउंड, देखो ऑलरेडी 1370 पीपल हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस पोर्टफोलियो, सो यू कैन ऑल्सो जॉइन।
ओके और बुल मार्केट आएगा तो बस ऐसे ऐसे मैंने स्टॉक चुने कि जो 5x 10x हो सकते हैं. आज पोर्टफोलियो नहीं डिस्कस करेंगे पूरा, लेकिन ओवरऑल मैंने ब्रेकआउट वाले ही लिए. तो और बुल मार्केट आएगा बॉस, बुल मार्केट आएगा आएगा आएगा. 25,000 निफ्टी आएगा आएगा आएगा. हाँ हम लोग भी बोलते हैं 25,000 आएगा आएगा आएगा. 25 छोड़ो यार, बहुत ऊपर जाने वाला है मार्केट. हाँ शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, कैपिटुलेशन हो सकता है, उसको डिनाई नहीं करेंगे. देखते हैं ना क्या होता है, देखते. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट. आई होप यू आर लाइकिंग. तो देखो कल के लिए सिंपल, आज के हाई के ऊपर ऊपर में जा सकता है 600 तक, 650 640 कहीं तक भी जा सकता है. और नीचे रहेगा तो वीकनेस. और हाँ बैंक निफ्टी नहीं डिस, सो इन्वेस्ट कर सकते हो पोर्टफोलियो में. और अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो लेट्स सी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है थोड़ा कंपैरेटिवली, लेकिन आज के हाई बेसिकली 35-30 के ऊपर अगर जाएगा तो फिर थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है. और आज के लो के नीचे वीकनेस आएगा. सो दैट्स इट. दिस इज अ सिक्स साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन.